नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव विजय गुप्ता के नगर में प्रथम आगमन पर जगह जगह सपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले राष्ट्रीय सचिव विजय गुप्ता ने बूथ पर जाकर जनता के वोट बढ़वाए। सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव विजय गुप्ता ने कहा कि इस देश में युवाओं के मसीहा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, साथ ही भाजपा की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच उजागर करने का काम भी तेजी के साथ किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर रहने व आगामी चुनाव की तैयारी में जुटने की बात कही। राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान, नौजवान व मजदूर छात्र पूरी तरह से त्रस्त हैं। सरकार सिर्फ पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को ही लाभ दे रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कार्यकर्ता इस समय वोटों को बढ़वाने के काम में तेजी से जुट जाएं, क्योंकि लोकतंत्र व संविधान बचाने के लिए वोट का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है, इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा बहुमत के साथ अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। समाजवादी स्वागत यात्रा में हम लोगों ने संकल्प लिया कि 2022 में करीब 300 से ज़्यादा पूर्ण बहुमत की समाजवादी सरकार बनाने का फैसला हम सब नौजवान साथियों ने लिया। जो संगठन की जिम्मेदारी मिली है, इसको लेकर क्या कहना है आपका और क्या पार्टी के लिए करेंगे? जो संगठन ने हमें जिम्मेदारी दी है, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और जमीनी स्तर, बूथ स्तर से लेकर सारे भ्रष्टाचार, लूट, डकैती इस भाजपा सरकार ने चरम स्तर पर फैल गई, इन सब नीतियों को हम लोग बताएंगे और जनता के बीच जाएंगे, गांव की जनता से मिलेंगे, उनको बताएंगे इस भाजपा सरकार ने किस तरीके से किसान, नौजवान, व्यापारी सभी पीड़ित, इन सब बातों को लेकर हम गरीब जनता में जाएंगे। सपा फिर सपा क्या गठबंधन करेगी, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुद्दा है, ये वही बता पाएंगे और हम सब समाजवादी एक होकर समाजवादी सरकार बनाने का काम करेंगे।